आज का जो कॉन्सेप्ट है, इस बार जो एग्जाम होंगे आपके 27-28 तारीख को, उसके अंदर आपके एग्जाम में आने के चांसेस 99% मान के चलो, आता है ये कॉन्सेप्ट, आने के चांसेस है। बस लास्ट टाइम पे 2018 के पेपर में आया था, उससे पहले कभी नहीं आया था जनरली। अब पूरा पूरा चांसेस है कि इस बार आपके एग्जाम में आ जाए, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, या फिर जब पार्टनर रिटायर होता है या फिर डेथ होता है तो उसका जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब हर किसी को पता होगा कि किस किस तरीके से बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं रिटायरमेंट वाला चैप्टर जो था आपका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाऊंगा। यानी यहां पे मेरा एक पार्टनर रिटायर होने वाला है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मेट। फॉर्मेट में अच्छे से याद होगा आपको, इधर पर्टिकुलर मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, पर्टिकुलर बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। और बाय बैलेंस बीडी की मैं बात करूं तो बीडी कुछ भी अमाउंट गिवन है, जैसे सपोज करो 1 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख, तीन बैलेंसेस गिवन है, 1 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख। जनरल रिजर्व इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व, मान लेते हैं कि 5,000, 5,000 और 10,000, 5,000, 5,000 और 10,000। इसके बाद गुडविल को इस साइड मान लेते हैं 5,000, 5,000 और 10,000। ये गुडविल कौन सा है जो राइट ऑफ हुआ है। ऐसे ही रिवेल्युएशन का लॉस भी इधर लिख लेते हैं। रिवेल्युएशन का जो लॉस है वो लॉस रहेगा रिवेल्युएशन का मेरा, रिवेल्युएशन का लॉस है मेरा 10,000, 10,000 और 20,000। ये मैंने बनाया है आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इसके अंदर ये मान के चलो कि ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बुक के अंदर गिवन है, और एक मैंने रिवेल्यूएशन भी था वो भी सब बन चुका है। क्वेश्चन में कहता है कि यहां पे जो एक्स है वो रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट ले रहा है, सपोज करो साल के स्टार्टिंग में ही, यानी 1 अप्रैल 2017 में मैं मान लेता हूं। तो जो रिटायर होता है सबसे पहले हम उसका अकाउंट क्लोज करते हैं। उसके अकाउंट को अगर क्लोज करें तो टोटल 1,05,000, 1,05,000 और ये भी 1,05,000 और ये 1,60,000। अब नाउ पहले मैं बैलेंस सीडी लिख देता हूं। चलो बैलेंस सीडी जो आएगा इसका आ जाएगा एक तो हमारा 90,000, इसका आ जाएगा 1,30,000 और ये पार्टनर रिटायर हो गया। तो मैं यहां पे सपोज दैट मैं लिख देता हूं 9% लोन, 9% लोन आ जाएगा हमारा 90,000 रुपीज। अब 9% लोन का मतलब है इसे 9% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जो पार्टनर जा रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल देखो यहां पे, उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं। को यहां पे मान लो तीन पार्टनर है, एक का नाम एक्स है और एक पार्टनर है जिसका नाम मान लेते हैं वाई, और लास्ट वन पार्टनर जो है इसका नाम मान लेते हैं जेड। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, मुश्किल बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर है आपके, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, चार नंबर फ्री के हैं। और इस बार ज्यादातर बच्चे छोड़ के आए थे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था उस बार। अब इस फर्म का
जब ये रिटायरमेंट ले रहा है, कौन ले रहा है? एक्स, तो फर्म का लाइबिलिटी, फर्म का दायित्व बनता है कि उसका जो भी हिसाब किताब बनता है देखे खत्म करो उसको। जब मैंने चेक किया तो इसका हिसाब किताब बन रहा था अमाउंट 90,000 रुपीस, इसका हिसाब किताब हमारा 90,000 बन रहा था। अब फर्म इसे 90,000 दे देता है उसी टाइम, तो हम यहां पे लोन तो लिखते ही नहीं, हम क्या लिखते? कैश, या फिर चेक से देते तो बैंक। लेकिन फर्म इसको बोलता है कि भाई देखो, फर्म के अंदर कौन है? वाई और जेड बोलता है, बोलता है एक्स भाई देखो मेरे पास अभी पेमेंट तो है नहीं, फिर भी आप छोड़ के जा रहे हो तो मना तो कर नहीं सकते। जो आपका बैलेंस बचता है ना मेरे ऊपर, कितना बचता है मेरे ऊपर? 90,000 रुपए बचता है। जो बैलेंस मेरा बचता है ना 90,000 रुपए, मैं आपको दे दूंगा। एक्स पूछेगा भाई कब दोगे ये तो बताओ। उसने बोला मैं 3 किस्तों में चुका दूंगा इसको, यानी 1 साल में तो देना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं 3 बार में ये सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये बोलेगा भाई 3 साल में दोगे तो जब तक तो मैं बैंक में भी रखूंगा तो ब्याज मिलना चाहिए, तो इसलिए ये ब्याज डिमांड करता है। तो ये 9% का मतलब है इसके ऊपर 90,000 रुपए पे ब्याज देगा। अब मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल में अगर मैं देखूं 90,000 की पेमेंट की बात अगर मैं 3 सालों की करता हूं तो 30,000 रुपए की किस्त बन जाएगी। अगर मैं 30,000 हर साल दे दूं तो क्या मिस्टर एक्स को ब्याज मिल पाएगा? उसका तो जितना था वही मिला है, तो यानी ब्याज भी देना होगा। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ईयर, तो मैं क्या दूंगा? 30,000 और प्लस में इंटरेस्ट, तो 9% के हिसाब से 90,000 पे कितना ब्याज बनेगा? 80, यानी फर्स्ट ईयर में मैं पेमेंट करूंगा 38,100। सेम अगर मैं बोलता हूं सेकंड ईयर की बात करता हूं, सेकंड ईयर में कितना पेमेंट जाएगा? फिर से 30,000। मुद्दे की बात है, अब ब्याज हम पहले ब्याज 90,000 पे लिया था, अब ब्याज हम किस पे लें? 60 पे लेंगे, क्योंकि 30 तो मैं दे ही चुका हूं, तो 60,000 पे बनेगा 59% के हिसाब से 5400 बन जाएगा। तो 5400 यानी दूसरी किस्त मेरी पता है कितने की चली जाएगी? 35,400। और मैं थर्ड किस्त की बात करूं तो थर्ड किस्त बता सकते हो? 30,000 और प्लस ब्याज, ब्याज 2700, यानी आपका 32,700 रुपए। इस तरीके से उसका पेमेंट जाएगा। एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता कि कितना कितना पेमेंट जाएगा, एग्जामिनर बोलता है इसको लेजर में आप बताओ मुझे करके। सबसे पहले मेरा कंसर्न ये है कि इसके लिए इसको पेमेंट देना लाइबिलिटी है या एसेट्स है। अकाउंट किसके लिए बनाएंगे? एक्स वाई, तो लाइबिलिटी है तो किस साइड लिखेंगे हम? जो भी अकाउंट बनाएंगे बाय साइड। इसको ब्याज देना बाकी है, किस साइड आएगा? बाय में, टू में? बाय में, क्योंकि ब्याज देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके बाद अगर मैं इसको किस्त दे देता हूं तो पेमेंट कहां से करेंगे? क्योंकि लाइबिलिटी घट जाएगा हमारा। तो अकाउंट कैसे बनेगा इसका बेसिकली? चलो मैं आपके हेल्प के लिए मैं एक काम करता हूं, इसके कैलकुलेशन की भी टेबल बना दूंगा। अभी ये लो कैलकुलेशन का टेबल, ये बड़ा आसान रहेगा, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे 9% क्या है? लोन। ये वाला कॉलम में इंटरेस्ट लिखूंगा, इस वाले कॉलम में लिखूंगा आपका प्रिंसिपल रीपेड, प्रिंसिपल पेड जितना होगा। इस वाले कॉलम में लिखूंगा इंस्टॉलमेंट। अब आप मुझे बताओगे इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ होता है या नहीं होता? इसको बोलूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको बोलूंगा सेकंड, तो ब्याज जुड़ा हुआ होता है। नाउ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 90,000 लोन। पहले साल में ईयर वन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये लो एक ईयर भी बना देता हूं। चलो यहां ईयर भी बन गया, ये लो। फर्स्ट ईयर में पूरे 90,000 पे कितने का ब्याज और 30,000 रुपए का प्रिंसिपल, किस्त कितने की चली जाएगी? सेकंड ईयर में 30,000 तो पहले साल दे चुका हूं मैं, सेकंड ईयर में कितना बचा?
60,000 रुपये ब्याज, 30,000 रुपये प्रिंसिपल। अब तीसरे साल की बात करूं, फिर 30 दे दिया मैंने, तीसरे साल कितना बचेगा? तो इस पे 2700, 30,000 तो 32। तो ये टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें आपका सारा मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, ब्याज का भी, प्रिंसिपल का भी, किस्त का भी, कैसा भी होगा इस टेबल से आप कर सकते हो। बाकी आप नॉर्मली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि आपको ये प्रिपेयर करना है। अब इसको लेजर में कैसे करेंगे? लेजर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आपको। लेजर का फॉर्मेट तो हर जगह एक ही जैसा है, ये बना दिया मैंने वाई, कौन है यहां पे? एक्स, एक्स लोन अकाउंट, डेट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। मेरा कंसर्न ये है, लोन अमाउंट बता सकते हो कितना है मेरे एग्जांपल में? 90,000 टोटल, 90, तो 90,000 लाइबिलिटी तो मैं इस साइड लिखूंगा बाई में। सपोज करो मैंने पेमेंट का डेट आपको बताया नहीं, मैंने जो लोन क्रिएट किया है वो किया है 1/4/2016, ठीक है? तो 1/4/2016 का मैं यहां डेट डाल देता हूं, 1/4/16 बाय किसके अकाउंट का लोन है वो? एक्स का, एक्स कैपिटल, और ये आ जाएगा हमारा 90,000। इसके बाद ब्याज पता है कब कैलकुलेट होगा? ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। तो मैं इंटरेस्ट निकाल लूं यहां पे, 31/3/17 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ पहले साल का, ये रहा 8100। टोटल करते हैं, अब टोटल बन गया 98। अब पेमेंट मैं कर दूंगा 31/3/17 में, कैश में बोलेगा तो कैश, अदरवाइज बैंक। कितना पेमेंट जाएगा? 38,000। अब मेरे पास 31/3/17 को क्या बच रहा है? बैलेंस, बैलेंस सीडी, और सीडी क्या आएगा? 60,000। अगर एग्जामिनर बोलता है सिर्फ एक साल का पेमेंट करके दिखाओ, आंसर यही खत्म हो गया हमारा। अगर एग्जामिनर बोलता है कि टिल एंड तक, जब तक के सारा पेमेंट हो नहीं जाता तब तक करो, तब हमें पूरे 3 साल का करके दिखाना होगा। नाउ अब यहां पे आएगा हमारा 1/4/17 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में देखा जाए तो बीडी कितना आएगा? 60,000। 31/3/18 बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अमाउंट दूसरे साल का, ₹5400 ये इंटरेस्ट कौन से डेट पे? 31/3 को क्यों आया? 1/4 हमेशा साल के एंड में। क्या चाहिए, क्या कर रहे हो इधर उधर, किसका है ये? फिर आपको क्या मतलब है इससे? अरे तो आपको क्या लेना देना है उससे? अब 65,400 यहां पे इस साल में किस्त जाएगा, और किस्त कब जाएगा हमारा? 31/2 बैंक, और बैंक से जाएगा मेरा दूसरा किस्त,
इसके बाद हमारा 31-3 को बैलेंस सीडी होगा और बैलेंस सीडी होगा आपका 30,000। अब देखते हैं कौन सी डेट आएगी, 1/4/18। जल्दबाजी में डेट गलत मत करना, जहां डेट गलत करोगे पता भी नहीं चलेगा जीरो आ गया आपके। बाय बैलेंस बीडी और ये आ गया 30,000। अब इस साल का भी ब्याज आएगा, ब्याज कब आएगा, 31/3/19 बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो तीसरे साल का 2700। लास्ट ईयर में हमारा बैलेंस आएगा जीरो, 32 और ये आ गया 32,700। पेमेंट भी करेंगे 31/3/19 को टू बैंक 32,700। ये लो हो गया हमारा लोन अकाउंट कंप्लीट। चार नंबर का इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसका। अब मैं बात करूं तो ये पूरा लोन अकाउंट नहीं हुआ अभी भी, इसके अंदर और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर तो सीधा सीधा साल का ब्याज निकाला। अगर एग्जामिनर बोलता कि मैं हर 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अगर ये बोलता कि मैं हर 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो ब्याज का रेट भी उसी हिसाब से निकाला जाता 6-6 महीने के। अगर बोलता ये मैं 3-3 महीने में पेमेंट करूंगा तो 3 महीने के हिसाब से निकाला जाता। इसके बाद दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट आगे बताऊं, यहां पे मान लो बिजनेस क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। मैं बोलता हूं मैं तो किस्त दूंगा दिसंबर में एक साल का, मैंने यानी मैं किस्त पेमेंट करने का डेट रखना चाहता हूं जनवरी से दिसंबर, लेकिन अकाउंट कब हो रहा है क्लोज हमारा, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, 9 महीने और 3 महीने का ब्याज निकलेगा। तो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल सिंपल वाला हो सकता है, तो एक बार इसको नोट करो। आपके बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन नंबर 34 भी है इसी टाइप पे।